ओके देन, सो सीए फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड काफी सुर्खियों में रहा हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तीन मेजर चीजें इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जस्ट विल टेक योर 10 मिनट्स, बट डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे आप लोगों के पॉइंट्स चाहिए जिसने भी एग्जाम दिया है या जो एग्जाम देने वाला है। सबसे पहली चीज जो उभर के बाहर आई एंड दैट इज दैट नो शॉर्टकट्स फॉर एग्जामिनेशंस, यानी अब प्लीज आप जिसने भी मई 24 का एग्जाम दिया है और एग्जाम्स क्लियर किए हैं या जिसने देखा है मई 24 के एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को, तो रिजल्ट्स वर वेरी गुड। 25% इन एक ग्रुप में 36% जितना 35% जितना रिजल्ट आ रहा है। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एज अ स्टूडेंट अपने को लगेगा कि यार चल भाई लाइफ इजी है एज फार एज बिकमिंग सीए इज कंसर्न, बट टाइम एंड अगेन आईसीएआई कोई ना कोई एक दो अटेम्प्ट बाद कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाता है जहां पे थिंग्स ऑब्वियसली गेट चेंज। वी डोंट नो ये बार का रिजल्ट क्या आने वाला है, बट एटलीस्ट पेपर्स वर ऑफ हाई क्वालिटी लेवल, जो मई 24 में इतने क्वालिटी के लेवल के भी नहीं थे, खाली एक ऑडिट का था, अदर देन दैट एवरीथिंग वॉज ईजी। तो फटाफट चलो ये तीन चीजें डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, लेट्स डिस्कस दैम। सो सबसे पहला है नो शॉर्टकट फॉर एग्जाम्स, एफ आर एवरेज, ए एफ एम टफ, ऑडिट अबव एवरेज, डी टी अबव एवरेज, आई डी टी एवरेज एंड आई बी एस टफ। सो ऑब्वियसली द लेवल वॉज आई सी ए आई लेवल। इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम ये हो गया मई 24 में कि उसने कुछ ज्यादा ही लेवल को गिरा दिया, चेकिंग भी इजी रखा, पेपर भी इजी रखा, एंड देयरफॉर जो स्टूडेंट का माइंडसेट था नवंबर 24 में कहीं ना कहीं वो वही माइंडसेट कैरी करके आगे बढ़ रहा था, बट दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन बिकॉज वी नो इंस्टीट्यूट का बर्थ राइट है ऐसे पेपर्स निकालना। गाइज ट्रेडिशनली पेपर्स ऐसे ही आते हैं, यही लेवल के आते हैं कि एक दो टफ होंगे, एक दो अबव एवरेज, एक एवरेज। सो ये आपके लिए एज अ स्टूडेंट जिसने फर्स्ट टाइम दिया है या उस फर्स्ट या सेकेंड टाइम दिया है उसको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार इंस्टीट्यूट ने ये क्या कर दिया। इंस्टीट्यूट ने ये जो किया है वो तो सालों से करता है एंड उसी के लिए तो इंस्टीट्यूट फेमस है। दैट इज द रीजन द रिजल्ट्स आर वेरी मिनिमल एंड दैट इज द रीजन अपना इतना मार्केट में डिमांड है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिजल्ट्स जैसे मई 24 में आए वैसे ही आने लगे ना, देन इन दैट केस विद इन 2 to 3 years अपना वैल्यू बीकॉम या एक टिपिकल इंजीनियर होता है ना उसके जैसा हो जाएगा। व्हाई डू वी कैरी सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज, बिकॉज वी क्लियर दीज लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस। अगर ये बंद हो गया तो आप समझ लो कि अपना हो गया गेम ओवर। अब ये लेवल का एग्जाम देने के बाद भी ऐसा नहीं है कि पास नहीं होने वाले, अच्छे खासे स्टूडेंट्स पास होंगे एंड दैट इज वेयर द क्वालिटी पीपल आर गोइंग टू क्लियर। सो बी प्रिपेयर्ड, पेपर ऐसे ही लेवल के आने चाहिए। आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग दैट, मतलब मैं खुद भी जब सीए फाइनल का स्टूडेंट था या सीए का स्टूडेंट था, आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट पेपर शुड बी कॉम्पिटेटिव, वरना फायदा क्या। अगर मैंने अच्छा पढ़ाई किया है और किसी और ने अच्छा पढ़ाई नहीं किया है, वी विल बी एट द सेम लेवल अगर पेपर ईजी आ गया तो Let's be prepared for this। और अपन लोग ने जब ये कोर्स को ज्वाइन किया था यही सोच के किया था ना कि यार एक हाई लेवल का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, सो लेट्स डू इट। शायद अपने को इसके वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है सक्सेस, बट वेन वी क्लियर द एग्जामिनेशन वी विल फील वेरी प्राउड एंड वी विल गेट द जॉब एट दैट लेवल। आज मई 24 में इतना अच्छा रिजल्ट आया, देर इज अ प्रॉब्लम एज रिगार्ड जॉब इज कंसर्न, लेट्स फेस इट। So, वो अपने को नहीं चाहिए कि वापस से हो। सो देयरफॉर आईसीएआई हैज टेकन द राइट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी। बट इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम क्या हो गया, जो इधर लिखा ना मैंने इंस्टीट्यूट मिस्टेक, ये आईसीआई का पेपर बनाने वाला मिस्टेक, वो एरर है, वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है, वो अलग डिस्कशन है, बट आईसीआई का मिस्टेक ये हो गया कि एक बार आप सीधा एकदम इजी पेपर निकालते हो, स्टूडेंट को लगता है यार सब कुछ इजी है, स्पेशली अभी आप लोग देख रहे हो कि एसपीओएम में भी सब लोग 90% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में से फॉर एग्जाम्पल पास हो रहे हैं, सब एकदम इजीली क्लियर कर पा रहे हैं। सो एक थॉट प्रोसेस बन गया, अरे सीए तो बहुत इजी हो गया है, चलो भाई कोई भी कर लेगा, बट ऐसा नहीं है ना। वी नो ट्रेडिशनली दैट दिस कोर्स होल्ड्स अ हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, गिव्स अ हाई लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन। अब अगर हाई लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन और हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट चाहिए तो इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जी हाँ, राइट राइट। एंड इसके लिए आगे वाले जो भी अटेम्प्ट देने वाले लोग ध्यान रखना ये चीज, आईसीएआई का मॉड्यूल प्रॉपरली कवर करो, प्लीज शॉर्टकट्स मत मारो। आजकल एक ट्रेंड हो गया है जितना शॉर्ट बुक है, जितना शॉर्ट नोट्स है, स्टूडेंट उसी को प्रिफर करेगा और फिर एग्जाम में उसको एक एवरेज पेपर भी कई बार अबव एवरेज लगता है।
इसमें से कुछ पेपर जो मैं अबव एवरेज लिख रहा हूँ वो इतने अबव एवरेज थे नहीं जितना स्टूडेंट बता रहा है, बट इट इज द माइंडसेट। अपना माइंडसेट ये हो गया है कि यार सब पूरा का पूरा पेपर शुड कम फ्रॉम द मॉड्यूल, अगर नहीं आया देन इन दैट केस पेपर अबव एवरेज है एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो प्लीज आईसीआई मॉड्यूल को प्रॉपरली कवर करना ही है, या आप जिसको भी जो भी ऑथर को फॉलो कर रहे हैं उसने ये किया है कि नहीं, एंश्योर करना है आपको। डोंट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन, ये अगेन इंस्टीट्यूट का स्पेशलिटी है, ठीक है। ट्रेडिशनली अपन लोग एक ट्रेंड देखते हैं और लगता है कि चल भाई ये चैप्टर निकल जाएगा ऑप्शन में, डोंट डू दैट। मेरे दो सब्जेक्ट्स है, एक है SCMPE, इस बार IBS के पेपर में SCMPE का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन पूछा जो बहुत ईजी था, बट अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कभी लाइफ में किया ही नहीं है आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो इजी था कि डिफिकल्ट था। AFM में फॉरेक्स पब्लिक करता ही नहीं है ये सोच के कि यार ठीक है नहीं हो पा रहा है, बट अगेन फॉरेक्स ऑल्सो हैड अ गुड वेज, सो यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन। कभी कभी कोई चैप्टर में से 30-35 मार्क्स भी आ जाता है। अब अगर कोई चैप्टर ईजी है बट उसमें 30-35 मार्क्स आ गए और आपने ऑप्शन में छोड़ा है तो आप बाहर निकल के क्या बोलोगे, पेपर डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट था ही नहीं, अपना प्रिपरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे था। सो लेट्स लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और ये अपन अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे एंड पेपर ऐसा आ रहा है, ट्रस्ट मी यू विल गेट द रिजल्ट्स। ट्रेडिशनली ऐसा ही पेपर जाता था हर अटेम्प्ट में, फिर भी बहुत सारे सीए बने हैं, आप भी बनोगे एंड थिंग्स विल वर्क आउट, बट डोंट ट्राई टू यूज शॉर्टकट फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, फिर वो बैकफायर कर सकता है। एज फार एज IBS इज कंसर्न, दो मिनट में IBS के बारे में बात करता हूं। सो May 24 में इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया न्यू सिलेबस में IBS, कॉम्बिनेशन ऑफ 7 पेपर्स, ओपन बुक रखा, बैग फुल ऑफ बुक्स लेके जाना पड़ता है। ये ऐसा ऐसा दृश्य देख के मुझे थोड़ा लगता है कि यार ये क्या चल रहा है यार, लाइक दिस इज नॉट सीए एग्जामिनेशन, के मतलब पब्लिक इतना सारा बुक्स लेके जा रहा है, ये देखो ये देखो, मतलब आई डोंट नो, ये तो शायद पिछले अटेम्प्ट का है या जो भी है। नाउ व्हेन यू सी दिस यू फील दैट क्या ये सब्जेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है IBS के थ्रू इंस्टीट्यूट आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनाना चाहता है, विच इज सो इनकरेक्ट इन टूडेज वर्ल्ड। आज की तारीख में हर किसी को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, और अगर उसको प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसके लिए GST 100 मार्क्स का पेपर है ऑलरेडी, इंटर में भी है, फाइनल में DT ऑलरेडी है, FR 100 मार्क्स का है, देन ऑलरेडी जब आपने 300 मार्क्स एलोकेट कर दिया है सो देर वॉज नो पॉइंट एंड अगेन पुशिंग द पीपल टूवर्ड्स दिस प्रैक्टिसिंग थिंग। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फील्ड ओपन हो रहा है CS के लिए, दैट इज इन टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। आज की तारीख में खाली रैंकर्स को वहां पे जॉब्स मिलते हैं, जैसे आप लोग ने सुना होगा BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, बेन कैपिटल है, तो ऐसे बहुत सारे फर्म्स है, McKinsey ग्रुप है। सो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाले खाली फिलहाल रैंकर्स को पिक करते हैं, सो व्हाई नॉट ब्रिंग अ सब्जेक्ट विच टेस्ट यू एट दिस लेवल। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो रैंकर्स हैं, उनसे बात होता है, वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए काम कर रहे हैं एंड देर आर सब्जेक्ट्स विच आर हेल्पफुल फॉर अस, जैसे कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब मैं ये बोलूंगा तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप बोलोगे सर आपके सब्जेक्ट को ऊपर नीचे किया इसके लिए आप ऐसा बोल रहे हो, बट आप किसी भी ऐसे रैंकर को पूछ लेना जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में, ही विल टेल यू दैट हाउ अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ ही हैज टू गेट इनटू दिस और समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और यू नो सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। बट वो ही सेम चीज IBS में पूछ रहे हैं जो ऑलरेडी वो ऊपर पांच सब्जेक्ट में कवर कर रहा है। क्या मतलब है, FR, AFM, ऑडिट, DT, IDT को मिला के एक पेपर बना रहे हैं। अरे वो पढ़ लिया ना वहां पे जितना पूछना है आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस यही चीज यहाँ पे पूछ रहे हो, मतलब यू आर वेस्टिंग अ सब्जेक्ट। सेकेंडली आई फील SPOM वाले एग्जाम जो एटलीस्ट लॉ और SCPM एग्जाम है, थोड़ा उनका एक लेवल अच्छा होना चाहिए, IBS का लेवल थोड़ा नीचे होना चाहिए, IBS को स्क्रैप कर देना चाहिए। ऑब्वियसली कोई अभी स्क्रैप नहीं करेगा, वो तो नया कोर्स आएगा तब प्रोबेबली, एंड देन इंट्रोड्यूस समथिंग रिलेटेड टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। ICAI इधर मैंने देखो थर्ड पॉइंट लिखा है कि ICAI मिस्टेक। अब ICAI मिस्टेक यानी एक तो पेपर में भी एरर्स नहीं होना चाहिए, AFM के पेपर में ये बार एक दो एरर था, लास्ट अटेम्प्ट में भी AFM के पेपर में एरर था, एट दैट लेवल इट शुड नॉट हैपन। सो ICAI पेपर्स एंड रिजल्ट्स शुड बी कंसिस्टेंट। आप पेपर्स का अगर आप ये चाहते हो ना कि इंस्टीट्यूट एक अच्छे लेवल पे है तो ये लेवल रखो, सो दैट स्टूडेंट भी उस हिसाब से प्रिपेयर करके आएगा। कहीं ना कहीं उसने May 24 के बाद ये एग्जाम को हल्के में ले लिया था, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाट, यू नो लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड,
आप लोगों को अभी खाली 5 पेपर्स के लिए पढ़ाई करना है। आज से 2 अटेम्प्ट पहले तक स्टूडेंट 8 पेपर के लिए पढ़ाई करता था और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता था। 1949 जब से इंस्टीट्यूट बना है प्रोबेबली, तब से 8 पेपर्स, एक अटेम्प्ट बीच में कुछ टाइम था जब 9 पेपर्स देने पड़ते थे सीए फाइनल में, फिर 8 पेपर्स, तो एटलीस्ट 8 पेपर्स तो सबको देने ही पड़ते थे टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू गाइस आर लकी, यू जस्ट हैव टू स्टडी फॉर 5 सब्जेक्ट्स, और उसमें अगर ऐसा लेवल का पेपर आ रहा है So, मुझे नहीं लगता है कि उसमें इतना ज्यादा आप लोगों को शॉक होने का जरूरत है या इतना ज्यादा कोई हवा क्रिएट करने का जरूरत है। आई मीन बी प्रिपेयर्ड यार, 5 तो सब्जेक्ट पढ़ना है, छुट्टी भी है, एमसीक्यूज भी है। ठीक है, अभी मैं एमसीक्यूज के ऊपर नहीं बोलूंगा बिकॉज एमसीक्यूज चलो कैन बिकम डिफिकल्ट ऑल्सो, बट एटलीस्ट ये बात तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा बॉस, 8 के 5 पेपर हो गए आपके, ठीक है, छुट्टी भी मिल रहा है। बेनिफिट तो है आप लोगों के पास, दुनिया भर का आप लोगों के पास इजी इजी चीजें है एज फार एज इंटरनेट इज कंसर्न। यूट्यूब पे इतने रिविजन वीडियोज एंड एवरीथिंग, सो लेट्स यूटिलाइज दैट टू द बेनिफिट। सो आईसीआई पेपर्स एंड रिजल्ट शुड बी कंसिस्टेंट, एक अटेम्प्ट में 35% रिजल्ट, एक अटेम्प्ट में 10% रिजल्ट, फिर वापस 25, इतना भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ सीए फाउंडेशन में इंस्टीट्यूट एक थोड़ा कंसिस्टेंटली लगता है 25 to 28%, तो वैसे ही सीए फाइनल का भी कुछ एक सेट कर लो भाई, 10, 12, 15, 20, 30, वॉट एवर इट इज, बट पेपर कंसिस्टेंसी, रिजल्ट कंसिस्टेंसी रहेगा तो थिंग्स विल वर्क इवन मोर स्मूदर, स्टूडेंट माइंडसेट विल बी इवन मोर क्लियरर, एंड ऑब्वियसली द पेपर शुड बी एरर फ्री। सो दिस वॉज माई टेक एज एज रिगार्ड्स द 3 पॉइंट्स जो जो मुझे डिस्कस करना था। यू कैन शेयर योर कमेंट्स एज वेल, एंड May 25 वालों प्लीज ये चीजों को ध्यान में रखना है, ये मेन चीज को, भाई नो शॉर्टकट्स, लेट्स वर्क हार्ड फॉर इट, एंड ऑब्वियसली वी आर हियर टू हेल्प यू, एंड अच्छी तरह से मेहनत करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। अपने अपना अपना डिग्री का वैल्यू रहने दो गाइस, अगर पेपर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पेपर एक्सपेक्ट करते हो इजी आए, सब मॉड्यूल में से आए, आप लोगों का वैल्यू नहीं रहेगा। हम तो बन चुके हैं 10 साल पहले, थैंकफुली इस डिग्री ने अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है, अच्छा खासा रिस्पेक्ट दिया है। इफ थिंग्स आर गोइंग टू बिकम इजियर, इट इज योर रिस्पेक्ट एंड योर रेम्यूनरेशन विच इज गोइंग टू गो फॉर अ टॉस। तो डिफिकल्ट है कुछ, उसको डिफिकल्ट ही रहने दो तो ही उसका वैल्यू रहेगा, अगर इजी हो गया वैल्यू नहीं रहेगा। आई थिंक नीडलेस टू से ये चीज आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगी, यू नो क्या हो रहा है। अभी बच्चों लोग को चाहिए ACCA जैसा अपन लोग बन जाए। ACCA में कैसा होता है कि एकदम सिंपल एग्जाम कोई भी बन जाता है, अभी बहुत उसका एक ग्लोरी लग रहा है अपने को, बट ऑल ऑफ दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म। इन द लॉन्ग टर्म यू नीड गुड प्रोफेशनल्स, एंड दैट्स वेयर द CA इज गोइंग टू बी द बेस्ट, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक 6 सब्जेक्ट जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चीज वाला अगर कुछ आ जाए, देन इन दैट केस इट इज गोइंग टू ओपन बिग डोर्स फॉर द अपकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ICAI शुड सीरियसली थिंक अबाउट दीज थिंग्स। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में आपको ऐसे कुछ केस स्टडीज लाना चाहिए जहां पे वो प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहा है, जहां पे वो क्वालिटी ऑफ कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स विच आर देयर दैट विल क्रिएट अ न्यू जॉनर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सबको DT, IDT, FR उसमें नहीं जाना है। पीपल वॉन्ट टू गो इन टू फाइनेंस फील्ड इन टूडे सिनेरियो, पीपल वॉन्ट टू गो इन टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यू विल हैव टू ब्रिंग सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। Thank you so much. Hasta la vista. Take care. Keep smiling.